अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काई स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के तकरीबन दो पार्ट मैं पहले बना चुका हूं और बहुत सारे लोगों ने हौसला अफजाई की और उन दोस्तों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। लेकिन वहीं पर कुछ दोस्तों ने मुझे इस पर एतराज़ भी उठाया कि आपने जो बताया है वो गलत बताया है, आप मुसलमान होकर झूठ बोल रहे हो, इस तरह के कुछ और कमेंट्स मुझे किए। लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो बताया आप लोगों को वो बिल्कुल सच बताया है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। आप मेरी दोनों वीडियो जो यूट्यूब पर मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं उसको दोबारा एक बार चेक करके देख लें, क्योंकि कुछ दोस्त पूरी तरह वीडियो नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, या कुछ दोस्त तो देखते ही नहीं है, थंबनेल के ऊपर देखकर और उसी के ऊपर कमेंट कर देते हैं। लेकिन मैं इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था पहले दिन से लेकर आज तक, मैंने हमेशा वो वीडियो इसके ऊपर अपलोड की है जो बिल्कुल सच पर हो और मुझे यकीन हो कि ये काम वर्किंग है, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं उस तरह का चैनल मैंने नहीं बनाया कि कोई एक चैनल रिमूव हो गया तो मैं उसकी वीडियो बना दूं, कोई एक चैनल आ गया तो मैं उसकी वीडियो बना दूं, या ऐसी फेक उठाकर किसी की वीडियो की फ़ोटो और अपने इस चैनल पर एक वीडियो बनाकर आपको ले सामने अपलोड कर दूं। मैं वर्किंग काम करने के बाद आपके सामने शेयर करता हूं, क्योंकि ये जो मैंने एक स्प्लिटर बनाया था डायोड लगाकर, तो आप चेक करके देख सकते हैं इसमें मैंने क्या कहा है कि ये किन सैटेलाइट के ऊपर वर्किंग है। और अगर आप भी इस तरह का स्प्लिटर बनाकर उन सैटेलाइट के ऊपर उसी तरह से काम करवाएंगे जैसे मैंने बताया है तो 100% वर्किंग होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन क्योंकि मैंने जुगाड़ लाया और पाकिस्तान में लोग जुगाड़ को इतना मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी, जो कंपनी ने चीज़ बनाई है वो सही है और जो आपने जुगाड़ लाया है वो तो ऐसे गलत लगाया आपने, ये हो ही नहीं सकता, फेक आदमी है आप, ये है वो है। तो आज मैं आपको कंपनी प्रूफ भी दिखाने लगा हूँ, जैसा मैंने स्प्लिटर बनाया है जो जैसे वो काम कर रहा है। काम का मकसद उसका ये था, कुछ लोग ऐसा करते थे कि टी लगा देते थे या केबल वाला स्प्लिटर लगा देते थे, लगाने के बाद वो दो रिसीवरों को उसके साथ कनेक्ट कर देते थे और सिंगल पिन आम एलएनबी को उसके साथ कनेक्ट कर देते थे। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो नए रिसीवर आते हैं ना वो ख़राब हो जाते थे, उनके सिग्नल आईसी ख़राब हो जाते थे। कैसे? क्योंकि एक रिसीवर जब आप चलाते थे तो उसका जो करंट था वो दूसरे रिसीवर के सिग्नल आईसी में भी चला जाता था। लेकिन ये डायोड लगाकर और रेक्टिफाई तरीके के ज़रिए जो करंट को हमने कंट्रोल किया है, इससे दूसरे रिसीवर को कोई नुकसान नहीं होता और आपके चैनल जो है वो उस एलएनबी के ऊपर वर्किंग हो जाते हैं। इसके लिए मैंने वाजे बताया था कि आप डीडी फ्री डिश जो है उसकी वर्टिकल के ऊपर, क्योंकि सारे चैनल वो वर्टिकल के हैं, आप वर्टिकल के ऊपर रख कर दोनों रिसीवर ट्यून कर लें और वर्टिकल के दोनों रिसीवरों के ऊपर चैनल जो मर्जी चलाएं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी ना रिसीवर खराब होगा। इसी तरह मैंने बताया था कि जो पाक सेट की सैटेलाइट है उसके अंदर तकरीबन 138 के लगभग चैनल आते हैं, जिनमें 8 या 9 चैनल ऐसे हैं जो हॉरिजेंटल के हैं। आप 8-9 चैनलों को रिमूव कर दें या स्टोर ना करें और वर्टिकल के ऊपर वो पूरी सैटेलाइट आप स्टोर कर सकते हैं। और आज मैंने सोचा कि दोस्तों ने, जिन दोस्तों ने मुझ पर एतमाद किया उनका तो बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप एतमाद करेंगे तो हमारा ये चैनल भी आगे बढ़ेगा और हमें भी हौसला होगा आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। और जिन दोस्तों ने मेरी इस वीडियो के ऊपर मेरा भरोसा नहीं किया, तो चले मैं आपको दिखाता हूं कि कंपनी प्रूफ क्या है, कंपनी ने जो स्विच बनाया है वो कैसे बनाया। जी तो दोस्तों, ये देखें आप, ये स्प्लिटर जो बनाया था ये इस तरह का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है जी, इस तरह से मैंने बनाया था। इसके ऊपर आप दो रिसीवरों की तारें लगा सकते हैं और नीचे एलएनबी की तार लगा सकते हैं। डायोड लगाकर बनाया है, इसकी कैसे बनाना है इसकी मुकम्मल तफसील
मैंने अपनी पहली वीडियोस में बता दी है, वो उनका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस तरह का बनाना हो तो आपको पता चल जाएगा। मैंने चला के भी दिखाया कि टीवी के ऊपर ये कैसे चलता है। और जो कंपनी प्रूफ है वो ये है, ये देखें, ये बिल्कुल सेम यही चीज़ कंपनी ने बनाई है। और ये देखें पीछे, आपको मैं बड़ा जूम करके भी ये दिखा दूंगा, ये देखें कंपनी ने ये किस तरह की बनाई है। कंपनी ने भी सेम इसी तरह से दो नीचे रिसीवर दिए हैं और ऊपर एक LNB की बनाई है कि ये आप इस तरह से ये चला सकते हैं। ये कंपनी का बनाया हुआ है, सेट ट्रैक वालों का, ठीक है जी। सेम वही फार्मूला है, वही तरीका है जो मैंने बताया है आपको। बस मसला ये है कि मैंने आपको शॉर्टली बता दिया है, जुगाड़ सिस्टम के तहत बताया है, और कंपनी ने थोड़ी इसके ऊपर ज़रा अच्छी क्वालिटी बना दी है। क्वालिटी का मतलब कि उन्होंने एक स्प्लिटर टाइप उसी तरह का फ्रेम बनाया है, इसके अंदर सर्किट लगा कर और उसके ऊपर IC लगा कर उसको डायरेक्टली बाहर करंट कर दिया, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सेम वही तरीक़ेकार के मुताबिक इसने चलना है जो मैंने आपको बताया कि दो रिसीवर लगाएंगे, वर्टिकल के ऊपर चैनल स्टोर करेंगे, या आप दोनों रिसीवर में हॉरिजेंटल के ऊपर चैनल स्टोर करेंगे, तो उस सूरत में ये चलेगा। अगर आप एक रिसीवर में वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्टोर कर लेते हैं, एक में सिर्फ वर्टिकल कर लेते हैं, या उसमें भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों कर लेते हैं, और एक साइड पर हॉरिजेंटल चलाते हैं, एक साइड पर वर्टिकल चलाते हैं, तो दोनों रिसीवरों में एक ही रिसीवर चलेगा जो पहले ओपन हो जाएगा, दूसरा रिसीवर ऑफ नज़र आएगा, या वो भी वर्टिकल के ऊपर आएगा तो फिर दोबारा चलेगा। तो ये एक प्रूफ था दोस्तों के साथ शेयर करने को, दिल चाह रहा था कि दोस्तों के साथ शेयर करूं। जिन जिन दोस्तों ने मुझ पर अभी तक एतमाद नहीं किया इस सेपरेटर के ऊपर, अब वो कंपनी का ये चीज़ बनी देख कर शायद यकीन कर लें कि यार ये बंदा ठीक बता रहा था, क्योंकि कंपनी ने वही चीज़ बनाई है, इसके ऊपर हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं है वर्किंग, ठीक है जी, एक ही होगी एक टाइम में वर्किंग। अगर सिंगल सॉल्यूशन सी बैंड की बड़ी LNB लगा लेते हैं तो फिर दोनों सेटें वर्किंग होंगी, ठीक है जी। लेकिन हमने बताया था एक जुगाड़ कि आप आम LNB के ऊपर अक्सर लोग कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सैटेलाइट बताई थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें, और मेरी वीडियोज़ में मैं जो भी बताता हूँ भाई वो सच होता है, उसमें झूठ कोई चीज़ नहीं होती। प्लीज़ हम पर एक मेहरबानी कीजिए, हम आप पर एतमाद किया करें। एतमाद आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।